सरदार जी जिन्होंने बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा कार्य, नॉर्थ ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरे यहाँ कसई को एउटा डायरी एउटा नोटबुक फेला परेको छ, यहाँ कसैको पनि छ भने हाम्रोमा यहाँ आएर तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। एउटा डायरी नोटबुक छ, सानो नोटबुक र एउटा पेन। सबैमा एकता की भावना जागी है, ये कहा जाए कि बहुत सराहनीय और बहुत उपयुक्त कार्य काम किए हैं, जो सबों को इकट्ठा करना और सबके अंदर एकता की भावना लाना और राष्ट्रीय भावना लाना, इसके लिए उन्होंने कार्य किया, तो हमेशा ये याद किए जाएंगे। और आज उनकी जो जयंती है, इस अवसर पर मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमेशा इसी प्रकार मैंने हरेक लोगों के दिल में रहें और इस प्रकार करते हुए, और यह भी आशा करता हूँ कि जो रामायण नेपाली भाषा में जो छपा गया है उसको लोग अध्ययन करें, और अध्ययन करके उससे मैंने लोग ज्ञान प्राप्त करें कि राम का चरित्र क्या था, राम ने क्या कार्य किया। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, इसलिए उन्होंने मर्यादा का पालन किया, ये चाहिए कि सबों को मर्यादा के पालन कर। नमस्कार, संपूर्ण सिक्किमवासीहरूलाई म सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरेर आज 2021 को भानु जयन्तीको शुभ अवसरमा विशेष गरेर राज्यवासीलाई अनि देशवासीलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि जुन प्रकारले यो COVID-19 को कारणले गर्दाखेरि गए साल 2020 पनि हामीले भव्य कार्यक्रम गर्न पाएनौँ, अनि 2021 हामीले सोचेको थियौँ हामी भव्य कार्यक्रमको साथमा हामी यो सालको भानु जयन्ती समारोह हामी उत्साहको साथमा हामी मनाउँछौँ भने, तर यसपालिको मुद्दो सुलभको कारणले गर्दाखेरि हामी यसपालिको समारोह अलिकति भिन्न कोभिड प्रोटोकलको कारणले गर्दाखेरि भव्य रूपमा लान सकेन, शोभायात्रा गर्न सकेन, तरै पनि आज हामीले एउटा सानो रूपमा तापनि आधिकारिक हामी जन्म दिवस हामी यसरी सानो रूपमा राज्य स्तरमा बनाउन पायौँ। र विशेष गरेर आज यस समारोहमा म विशेष गरेर यसपालिको भानु पुरस्कारले लिएर भूतपूर्व लोकसभा संसद श्री मतदेव कुमारी म्याडमलाई मेरो हार्दिक बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र नेपाली साहित्य परिषदले जो उहाँको चिन्हित गरेको छ त्यो सही हो, किनभने उहाँले अघि